में आ रही परेशानियों को देखते हुए इस समय ऑनलाइन और फोन पर परामर्श महत्वपूर्ण हो गया है। दूरदर्शन पर डीडी न्यूज और अन्य चैनलों के माध्यम से लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में आज देखें हृदय रोग से संबंधित परेशानियों से बचाव और उनके उपचार पर जरूरी जानकारियां। के दौरान कुछ डॉक्टरों के क्लिनिक भी खुल गए हैं, जहां वे न सिर्फ कोरोना से बचने के उपाय बता रहे हैं बल्कि गंभीर मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रभात कुमार। डॉक्टर प्रभात कुमार ने अपने क्लिनिक में सैनिटाइजिंग चैम्बर लगवाया है और आने वाले मरीज इसी से होकर गुजरते हैं। हाथ धोने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें डॉक्टर के चैम्बर में भेजा जाता है। डॉक्टर प्रभात कुमार कहते हैं कि इस समय घर में रह रहे हृदय रोगियों को कुछ ज़रूरी एहतियात बरतना चाहिए। हम डॉक्टर हैं, हमें पेशेंट्स को भी देखना है, अपने आप को भी बचाना है और अपने जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको भी देखना है, सोसाइटी को भी सेफ रखना है। तो जैसे ही पेशेंट्स अगर आता है हमारे पास, पहले हम लोग पेशेंट को मास्क दे देते हैं, सैनिटाइज करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अपने आप को सामान्य रखना और नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है। चूंकि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हृदय रोगी घर के भीतर या छत पर नियमित टहलें और योगासन सहित हल्के व्यायाम करें। हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हम पहले स्क्रीन कर लेते हैं, टेम्परेचर नहीं है तो फिर पेशेंट को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद हम अपने आप को प्रोटेक्ट किए रहते हैं और जितने प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, जितने हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है उस तरीके का यूज़ करते हैं। मास्क उसमें बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स बहुत ज़रूरी है और कैप यूज करते हैं, बॉडी पार्ट को कवर रखते हैं। 40 दिन से अधिक के इस लॉकडाउन में हमें घर के भीतर रहने की आदत तो पड़ ही गई है, घर के भीतर स्वस्थ और प्रसन्नचित रहना भी हमें सीखना होगा और इसी के अनुसार अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करना होगा। पटना से अरविंद कुमार वर्मा की रिपोर्ट।